अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों हाजिरी खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है G3 और G3 से कन्वर्ट शुदा 8mm दोस्तों ओरिजिनल जर्मन G3 है ये दोस्तों और इसे कन्वर्ट कराया गया है 8mm में। दोस्तों हमारे दर्रे का ये कमाल है कि उन्होंने ओरिजिनल G3 उठा के इसका एक एक पुर्जा दोस्तों हर एक पुर्जा ओरिजिनल है अलावा बैरल के। दोस्तों इसमें डिटेल में बात करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक अर्ज के जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो लोग लाइसेंस हासिल करें। लाइसेंस हासिल करना हमारा कानूनी हक है। लाइसेंस ना होना और ये हथियार खरीदना या रखना कानूनन जुर्म और इखलाकन गलत है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये अभी मेरे हाथ में जो आप G3 देख रहे हैं ये पिन बाय पिन मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल तौर पे ओरिजिनल जर्मन G3 है दोस्तों। लेकिन इसे कन्वर्ट कराए चूँकि G3 308 एक ममनुआ बोर है दोस्तों इसका लाइसेंस नहीं मिलता लेकिन 8mm का लाइसेंस पॉसिबल है दोस्तों। तो इसे कन्वर्ट किया गया है 8mm में दोस्तों। इसमें जो मैगजीन इस्तेमाल होता है मैगजीन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। दोस्तों इसमें जो मैगजीन इस्तेमाल होता है वो ये वाला मैगजीन है 20 राउंड का ये मैगजीन है दोस्तों। लोकल मेड मैगजीन है मैगजीन चूँकि ये 308 बोर में होता है और उसका मैगजीन कुछ यूँ होता है दोस्तों। ये भी 20 राउंड का मैगजीन है लेकिन 8mm के लिए दोस्तों आप ये वाला मैगजीन चूँकि इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए बेहतरीन क्वालिटी में इसके लिए ये वाला मैगजीन तैयार किया जाता है दोस्तों लोकली ही। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ज़बरदस्त है बेहतरीन है दोस्तों। 20 राउंड का मैगजीन है चूँकि लोकल मैगजीन है तो 15-17 राउंड्स तक इसमें इस्तेमाल करने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आते हैं राइफल की तरफ। तो दोस्तों इसके रिस्ट राइफल जो मेरे अभी हाथ में है दोस्तों ये वाला राइफल ठीक है ये राइफल जो है दोस्तों इसके क्वालिटी इसका छोटा बड़ा बोल्ट ये वो इसकी बॉडी इसका पॉलीमर इसका नाम ही इसकी गारंटी है। जर्मन में G3 कन्वर्टेड टू 8mm दोस्तों मुकम्मल तौर पर पिन बाय पिन ओरिजिनल है ये दोस्तों। चलाएंगे भी इंशाल्लाह इसे अगले वीडियोस में इंशाल्लाह ताला। फिलहाल इस्तेमाल नहीं भी ग्राउंड्स काफ़ी महंगे हैं दोस्तों तो देखते हैं अगर कहीं से स्पॉन्सर होती है हमारी वीडियो तो इसे चलाएंगे भी और चला के भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आते हैं ओरिजिनल G3 की तरफ। लेकिन ओरिजिनल G3 दिखाने से पहले दोस्तों ये एक ममनुआ बोर है जो कि अवेलेबल किसी के लिए भी नहीं है किसी के लिए भी ये बोर अवेलेबल नहीं है दोस्तों पहले से बता रहा हूँ। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूँ ठीक है और ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक ममनुआ बोर है। उसमें तीन किस्म है एक दोस्त के से गुजारिश की थी तो उन्होंने फराहम किए हैं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं बजाते खुद भी इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और फर्स्ट टाइम जो है इसकी वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम इसे हाथ में ले रहा हूँ। आते हैं ओरिजिनल G3 की तरफ दोस्तों। ये ओरिजिनल G3 है दोस्तों और ये अपने 308 बोर में है मुकम्मल तौर पर ये पिन बाय पिन मैगजीन टकर और बैरल टकर। अच्छा दोस्तों बैरल से याद आया अगर इसके बैरल के बारे में बात की जाए कि चूँकि इससे ओरिजिनल बैरल हटा दिया गया है तो इसमें कौन सा बैरल यूज़ हो रहा है तो दोस्तों इसमें IXL का बेहतरीन क्वालिटी का बैरल इसमें इस्तेमाल किया गया है दोस्तों ज़बरदस्त क्वालिटी का यानी गारंटीड चीज़ है दोस्तों। ये जो राइफल मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस राइफल का नाम ही इसकी गारंटी इस राइफल का नाम ही इसकी गारंटी है दोस्तों। ये चलने के लिहाज से रिलायबिलिटी के लिहाज से लाइफ स्पैन के लिहाज से बेहतरीन चीज़ है दोस्तों इससे ऊपर और बेहतरीन चीज़ हो ही नहीं सकती दोस्तों।
मेरे मुताबिक इससे ऊपर बेहतरीन चीज़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये 308-4 में है दोस्तों, ये फिर से बता रहा हूँ ये अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक दोस्त से गुजारिश करने के बाद ये मुझे हासिल हुए हैं आप लोगों के साथ सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मालूमती तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इस छोटे वाले साइज को भी कन्वर्ट किया जा सकता है 8 mm में, उसमें भी इसके सारे प्रोजेक्ट ओरिजिनल होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका बैरल उसमें चेंज किया जाएगा। ये चेक कर लेते हैं। अच्छा आखिर में दो गन्स इकट्ठे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पर ओरिजिनल 308-4 में है दोस्तों, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी और इसके मैगजीन के लिहाज से अगर बात की जाए दोस्तों मैगजीन, तो इसमें 20 राउंड आते हैं और 20 के 20 इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। लोकल में 20 राउंड आते हैं लेकिन 15 से 17 राउंड तक इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल मैगजीन है, इसका हर एक चीज़ ओरिजिनल है और इसमें 20 राउंड आते हैं और 20 के 20 डालो, 5 साल भी पड़े रहे, 10 साल भी पड़े रहे, इसको कोई परवाह ही नहीं आएगा, ठीक है। 20 के 20 जो है आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिनी साइज में आप लोगों के साथ जो है ना दूसरा शेयर कर रहा हूँ, छोटे ये सबसे छोटा कह लो, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है 8 mm में। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये बोर्ड किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, किसी के लिए भी ये बोर्ड अवेलेबल नहीं है, ये एक ममनुआ बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसे कन्वर्ट किया जा सकता है 8 mm में। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी आपको एक कन्वर्ट शुदा और एक ओरिजिनल 308 बोर में जो होगा वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कन्वर्टेड है, कन्वर्ट है और ये ओरिजिनल है, ठीक है। दोनों चेक कर लो दोस्तों, कोई किसी भी किस्म का फर्क नहीं है। अगर आप इससे ये मैगजीन हटा दे, ये वाला मैगजीन अगर इससे हटा दिया जाए, अगर आप इससे ये मैगजीन हटा दे दोस्तों, तो इसमें जर्रा बर्फ भी, एक लकीर बराबर भी इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको कन्वर्ट कराया गया है, इसको कन्वर्ट कराया गया है 8 mm दोस्तों। कारीगर की फनकारी है, कारीगर की कलाकारी है ये, कि जो कि G3 यानी 308 बोर उठा के उसे कन्वर्ट किया है 8 mm में, और चलने में ऐसी दोस्तों, चलने में ऐसी कि देख के दिल से वाह निकल जाए, ऐसी चीज़ हो दोस्तों। आखिर में ये वाला जो है आप लोगों के साथ एक क्लोजअप लुक के साथ जो है शेयर कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मुझे इसके बारे में, तो इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर हमारा चैनल की ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें कि आने वाले हर वीडियो से आप वाकिफ हो। इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का अहतमाम करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एक नई वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।